नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारे शरीर में होने वाले जितने भी तरह के ऑपरेशन होते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा सफल ऑपरेशन है वो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। और अधिकतर लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं, काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ भी 100% नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद काफ़ी परेशान रहते हैं, उन्हें आँख में काफ़ी दिक्कत आती है, उन्हें ये लगता है कि हमारी निगाह साफ नहीं आई है, या और भी कोई और परेशानी जैसे आँख में चुभन रहती है या आँख में जलन रहती है। तो ये वीडियो आज खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी खुश नहीं है या किसी न किसी वजह से संतुष्ट नहीं है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं बात करूँगी उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से जो मरीज़ होता है वो ऑपरेशन के बाद भी खुश नहीं रहता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उन कारणों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जो सबसे पहली वजह होती है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीज़ को दिक्कत आने की, वो होती है ड्राई आई। ड्राई आई मतलब कि आंखों में सूखापन। वैसे तो हर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद थोड़ी बहुत ड्राइनेस हर मरीज को आती है, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 42% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसकी वजह से मरीज़ को आंखों में चुभन लगती है, गड़न लगती है, वो ऐसा महसूस करता है कि जैसे आंख में कुछ पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो ड्राइनेस होती है, ये जो हमारा क्वालिटी ऑफ विजन है, जो विजन में जो क्लैरिटी होती है उसको भी अफेक्ट करती है। मरीज़ को देखने में भी तकलीफ़ होती है, स्पेशली अगर मरीज़ धूप में देख रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये जो ड्राइनेस होती है इसके दो कारण होते हैं। पहला तो होता है ऑपरेशन और दूसरा होता है ऑपरेशन के बाद चलने वाली दवाइयाँ। हर आई ड्रॉप में, क्योंकि वो लंबे समय तक एक शीशी में बंद रहती है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। और ये जो प्रिजर्वेटिव होता है ये हमारी जो पुतली होती है, जो हमारी आँख का काला हिस्सा होता है, उसको प्रभावित करता है, उसमें ड्राइनेस को बढ़ाता है। अब इसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई आई हो रही है, आँखों में गड़न या चुभन हो रही है, तो उसके लिए डॉक्टर अधिकतर आपको टीयर ड्रॉप या लुब्रिकेंट आई ड्रॉप सजेस्ट करते हैं। अब कुछ लुब्रिकेंट जो अच्छे आई ड्रॉप्स हैं उनका नाम है, जैसे कि रिफ्रेश टीयर्स हो गया, रिफ्रेश लिक्विड जेल हो गया, फ्लो जेल हो गया, सिस्टेन अल्ट्रा हो गया। तो ये सारे जो हैं ओवर द काउंटर अवेलेबल अच्छे आई ड्रॉप्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो आपको ये जो गढ़न और चुभन है ये काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएगी। और अगर आपकी विजन में क्लैरिटी नहीं है ड्राई आई की वजह से, तो वो भी इन दवाइयों के माध्यम से ठीक हो जाती है। दूसरी वजह है कि आँख में किस तरीके का लेंस डाला गया है। जब भी जो मरीज़ है, अगर आप उसकी आँख में मल्टीफोकल लेंस डाला जाता है, तो पेशेंट कुछ कुछ चीज़ों की कंप्लेन करता है। वैसे तो मल्टीफोकल लेंस बहुत अच्छे लेंस होते हैं, और उसके अलावा आजकल बाज़ार में हर रोज़ लगभग कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी वाले मल्टीफोकल लेंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मल्टीफोकल लेंस डालने पर थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ विजन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब क्वालिटी ऑफ विजन की मैं बात करूँ तो रात में गाड़ी चलाते समय आपको चौंध लगेगी, रोशनी के चारों तरफ रंगीन घेरे दिखेंगे, गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और जो चीज़ों का जो कंट्रास्ट है वो हल्का सा कम हो जाएगा। मतलब चीज़ें आपको उतनी क्लियर तो दिखेंगी, लेकिन आपको रंग जो है या जो क्लैरिटी है वो हल्की सी फीकी दिखती है। लेकिन हाँ, मल्टीफोकल लेंस के बाद आप काफ़ी हद तक चश्मे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये मल्टीफोकल लेंसेज के साथ में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए अगर आप रात में गाड़ी चला रहे हैं तो आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि कभी कभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पर्दे में जो हमारा देखने वाला हिस्सा होता है, जिसे कि हम लोग मैकुला कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ये सूजन क्योंकि मोतियाबिंद के ऑपरेशन की वजह से हमारी आँख में इन्फ्लेमेशन होता है या पूरी आँख में सूजन आती है, उस सूजन की वजह से पर्दे में भी सूजन आ जाती है। और ये वाली जो दिक्कत है ये शुगर के मरीजों में ज़्यादा होती है, अगर हम उसको नॉर्मल मरीजों से तुलना करें तो। इस सूजन के लिए डॉक्टर आपको कुछ आई ड्रॉप्स देगा जिसकी मदद से, जैसे कि नेपाफिनेक आई ड्रॉप,
जिसकी मदद से ये सूजन समय के साथ साथ कम हो जाती है। और जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ है वो होती है पेशेंट की एक्सपेक्टेशन। दुनिया में ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जो आपको वो आंखें दे देगी जो आपकी 20 साल पे थी। हर सर्जरी के बाद आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप मोनोफोकल लेंस डलवाते हैं तो आपको क्वालिटी ऑफ विजन तो अच्छा मिलता है लेकिन आपको चश्मा लगाना पड़ता है। अगर आप मल्टीफोकल लेंस डलवाते हैं तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ विजन है वो आपका प्रभावित होता है, भले ही आपको चश्मे की ज़रूरत ना पड़े। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो भी रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक से मेरा मतलब ये है कि आप वैसा विजन जैसा आप 20 साल में थे, कि आप दूर का, पास का, नज़दीक का, कैसा भी आप बिल्कुल बिना चश्मे के साथ बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं, वैसा तो किसी भी ऑपरेशन के बाद में नहीं होता है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।